नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं आपके साथ सचिन तिवारी। अभी हम मौजूद हैं पटना रेलवे स्टेशन पे और आपको बता दें कि पटना जंक्शन को बम से उड़ा देने की धमकी मिली है। हमारे साथ बात करने के लिए पटना रेल SP हैं। सर, बम से उड़ा देने की धमकी मिली है। कल रात्रि में 22:51 पर पुलिस कंट्रोल रूम पटना जंक्शन को पटना को एक सूचना प्राप्त हुई 8210873730 मोबाइल से कि पटना जंक्शन को बम से उड़ा दिया जाएगा। इसके आलोक में रेल पुलिस पटना द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई और रेल पुलिस उपाधीक्षक भावना वर्मा के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया, जिसमें सुशांत कुमार चंचल रेल पुलिस उपाधीक्षक और गोपाल मंडल थानाध्यक्ष, सोनी संजय कुमार रेल थाना पटना जंक्शन और तकनीकी शाखा के सहायक ASI जो रोहित कुमार सिंह है उनके साथ टीम का गठन किया गया और RPF से भी सहयोग लिया गया, जिनके समादेष्टा RPF सुशील कुमार, पोस्ट प्रभारी RPF उज्जवल दास और डॉग स्क्वाड, बॉम्ब स्क्वाड और अन्य सभी टीमों के साथ सघन तलाशी की गई। कोई भी ऑब्जेक्शनेबल चीज़ नहीं पाया गया पटना जंक्शन पे। रेल परिचालन रात्रि में शुरू करा दिया गया, आज सुबह से सघन तलाशी की जा रही है, कोई ऑब्जेक्शनल नहीं पाया गया है, सैनिटाइज किया गया है और जो व्यक्ति 8210873730 से कॉल कर रहे थे, राजेश कुमार रंजन जो सहरसा के रहने वाले हैं, उनकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। सर, आखिर क्या कारण रहा कि उन्होंने ऐसा कुछ? उनकी पत्नी पूजा कुमारी जो ये मोबाइल यूज़ कर रही थी, वो अपने प्रेमी चंद्रकिशोर के साथ पूर्णिया चली गई और उनके जो पूर्व के प्रेमी दीपशंकर कुमार हैं उनके साथ संपर्क में थे, जिनके नाम पर यह सिम है, इसी आवेश में आकर उन्होंने यह कॉल किया। सर, जिसकी गिरफ्तारी हुई है उसका पूर्व से भी कोई अपराधी के साथ इतिहास रहा है क्या? उसकी अभी जानकारी जुटाई जा रही है। पूर्व के CRPF के भगौड़ा हैं और वो वर्तमान में सहरसा में हार्डवेयर की दुकान में कार्य कर रहे थे। सहरसा के। तो अभी आपने सुना रेल SP ने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि कल रात्रि में एक नंबर से कॉल आई और कहा गया कि पटना जंक्शन को बम से उड़ा दिया जाएगा, तो तत्कालीन कार्रवाई करते हुए SP के द्वारा टीम का गठन किया गया और टीम कार्रवाई करते हुए उसमें धमकी दिया था, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और पटना रेल परिचालन को शुरू कर दी गई है। धन्यवाद, ऐसी तमाम खबरों पर जुड़े रहे हमारे साथ। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।